मेरी मन्नत की खुशी को नजर लगाने के लिए यहाँ खड़ी मत रहना। हाथी अम्मी। खामोश, एक और लफ्ज नहीं। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? जवान बच्ची को सबके सामने बेइज्जत क्यों कर रही हैं आप? ये आपको जेब नहीं देता है। दुआ और इबादत भला क्यों जलेगी अपनी बहन की खुशी से? हाँ, जितनी कुर्बानियां इस घर के लिए इबादत ने दी हैं, किसी और ने नहीं दी हैं। और ये जेवर, ये सोना चांदी कब से हमारी शान तय करने लगे? मन्नत को नए जेवर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों अम्मी? क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत जेवर है। अगर तुम्हें खरीदने भी हैं तो इतने सारे जेवर लेने का तो कोई तुक नहीं बनता। अगर तुम्हें इतने जेवर चाहिए तो थोड़ा इंतजार कर लो ना। अख्तर खानदान के पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा, इबू का, अरमान का, निगार का, सुभान का, सूफी का ही तो है। तुम सब में बच जाएगा ना। मैं जानती हूँ यहाँ जितनी भी ज्वेलरी तुम पसंद कर रही हो उसे तुम एक बार भी नहीं पहनोगी, तो खरीदने का तो मतलब ही नहीं बनता ना। तुम्हें बस खरीदने का शौक है लेकिन पहनने का शौक नहीं है, इसलिए हम नई ज्वेलरी नहीं बनवाएंगे। ये क्या बोल रही हो दुआ? जेवर नहीं खरीदेंगे तो क्या ऐसे खाली हाथ रुखसत करोगी अपनी शहजादी को तुम? ऐसा कभी हो सकता है अम्मी? मेरी बेटी भला खाली हाथ क्यों जाएगी? मैंने और हैदर ने तिनका तिनका जोड़कर एक बेहतर रकम रखी थी अपने बच्चों के लिए। हैदर के जाने के बाद उस रकम में मैं इजाफा करती गई और मैं चाहती हूँ कि जेवर के बजाय उस रकम की एक FD बनाकर बच्चों को निकाह में दे दूं, ताकि सुभान और मन्नत जब उन्हें जरूरत पड़े उसे इस्तेमाल कर सकें। क्यों मन्नत, ये कैसा रहेगा? अरे बच्ची से क्या पूछ रही हो, ये खाक जवाब देगी तुम्हें। रीति रिवाज तो घर के बड़े ही तय करते हैं ना दुआ। और ये FD मेरी कुछ समझ में नहीं आता। जेवर मांग रही है मेरी जान, तो जेवर दे दो उसे। अल्लाह मियाँ का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास दुआ, दौलत है, शोहरत है, जेवर देने में आनाकानी क्यों कर रही हो? अम्मी मैं जो दे रही हूँ वो जेवर से ज्यादा जरूरी है। मुस्तकबिल में जेवर नहीं FD काम आएगी, क्यों मनु? जी जी अम्मी। दुआ ये क्या बात हो गई, ना दिल रख रही हो उसका ना मशवरा सुन रही हो। वैसे एक बात बताओ मुझे, ये ख्याल तुम्हारे जहन में ठूसा किसने? ये नेक ख्याल मेरे उसी ने जहन में डाला है जिसे थोड़ी देर पहले आप कोस रही थी। मैंने कहा था ना, सबसे ज्यादा फिक्र इसे मन्नू की है। जौहरी साहब मैं माफी चाहती हूँ, आपको तकलीफ दी। जब हमें नई ज्वेलरी बनवानी होगी हम आपको बुलवा लेंगे। जी जी बेगम साहिबा।